नमस्ते मेरे प्यारे YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगी आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर के आई हूं। आप सभी को पता है, कल यानी कि 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगा। 15 अक्टूबर को नवरात्रि का पहला पूजा रहेगा। तो क्या होगा पूजा का मुहूर्त, पूजा की सरल विधि एवं सबसे जरूरी कलश स्थापना का मुहूर्त, क्योंकि मुहूर्त में कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आज मैं आपको सारी जानकारी दूंगी। प्लीज वीडियो पसंद आने पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नवरात्रि यानी कि नवरात्रि का दिन, इस नवरात्रि में माँ दुर्गा का अलग अलग रूप का पूजा पाठ किया जाता है। कल आप सभी को पता है 15 अक्टूबर को नवरात्रि का पहला पूजा किया जाएगा, जिसके पहले यानी कि आज 14 अक्टूबर की को घर की साफ सफाई, माता रानी का मंदिर का साफ सफाई, पूजा की सारी विधि, पूजा का सारा सामान हमें घर ले आना चाहिए। अगर आपको नवरात्रि सरल पूजा सामग्री नहीं पता है, आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी। दोस्तों, कल है नवरात्रि का पहला पूजा। कल माता रानी का सबसे पहला पूजा किया जाएगा। और अगर आप सभी को नहीं पता है तो मैं आपको यह भी बता दूं कि माँ दुर्गा का इस बार का जो सवारी है वह है हाथी। हाथी, जब भी हाथी पे सवार होके माता रानी आती है, वह नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा शुभ कहलाता है। इसलिए कल के दिन, पहला पूजा के दिन, आप सभी को विधि के अनुसार माता रानी को स्थापित करना चाहिए, कलश की स्थापना करना चाहिए, साथ ही साथ पूरे विधि से पूजा करना चाहिए और पूरे विधि से माता रानी को भोग प्रसाद लगाना चाहिए। क्योंकि पहला दिन जो नवरात्रि का होता है, जैसे कि हम लोग माता रानी को स्थापित करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, तो यह चीज पूरे 10 दिन तक हमारे घर में बना रहता है, यानी कि हम 10 दिन तक इसी मूर्ति स्थापित में पूजा पाठ करते हैं। इसलिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और बहुत ही ज़्यादा विधि के अनुसार हमें पूजा पाठ पहला दिन करना चाहिए। नवरात्रि के पहला पूजा यानी कि पहला पूजा का जो सबसे शुभ मुहूर्त देखा जा रहा है वह है सुबह 6:14 से लेकर के 11:51 तक। यह नवरात्रि के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है और यह बहुत देरों का है, बहुत घंटों का है। तो आप इसी मुहूर्त में सुबह पूजा नवरात्रि का जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, पूजा का अगर विधि देखा जाए तो सरल तरीका से आप माता रानी का मूर्ति स्थापित कर रही हैं, फोटो स्थापित कर रही हैं, तो एक अच्छा सा पीढ़ा यानी कि लकड़ी का आपको पीढ़ा ले लेना है। उस पे एक लाल रंग का वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर माता रानी का फोटो रखना है, माता रानी को चुन्नी चढ़ाना है और दोनों ओर माता रानी का के दोनों ओर चावल का छोटा छोटा आपको फूल बनाना है, जिसपे एक साइड में आपको कलश की स्थापना करना है और माता रानी को भोग प्रसाद फूल इत्यादि चढ़ा करके आपको सरल तरीका से पूजा पाठ करना है। कल के दिन याद से आप धूमन भी जरूर जलाइएगा और कल के दिन माता रानी को बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ कीजिएगा। वही कलश स्थापना का अगर मुहूर्त देखा जाए तो पूजा का मुहूर्त तो सुबह 6:14 से लेकर के 11:51 तक है, लेकिन कलश की स्थापना आप सभी को 8 के पहले ही कर लेना चाहिए। 8 के पहले का बहुत ही ज़्यादा शुभ मुहूर्त देखा जा रहा है। तो अगर आप 8 के पहले कलश की स्थापना मुहूर्त कर लेती हैं तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। इसी तरीका से दोस्तों, नवरात्रि के पूरा जितना भी पूजा विधि, पूजा मुहूर्त रहेगा, मैं हर रोज का आप सभी को अपडेट दूंगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक छोटा सा लाइक तो ज़रूर बनता है। दोस्तों, किसी भी तरह का वीडियो चाहिए कमेंट कीजिएगा, मैं आप सभी के लिए ज़रूर लाऊंगी। उम्मीद करूंगी आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।